बहरे नहीं देंगे, मस्जिदों को बंद कर देंगे। सुनिए, मुसलमानों से लेन देन मत करो, उनको प्रॉपर्टी उनको भाने की जगह मत दो। ऊपर अनऑफिशियली अपन क्या क्या बना रहे आप भी देखो ना, चांदीवली में सब ग्रीन जोन के ऊपर था, इतना छोटा सा पहला मदरसा दो ना, अभी 10-3 फ्लोर का मदरसा बनाया गया सर उधर। अगर चेक कोई गलत सर, ग्रीन जोन के अभी इतना आप अनुभवी आप ग्रीन जोन पे बना सकते हैं। कारपोरेशन को बोलिए कि हर समाज की जो गलत चीजें बने तोड़ दो, उसको कौन मना कर रहा है? अगर तोड़ने के टाइम पे लोग सब कैसे हथियार लेके आ जाते हैं, क्या है इनकी हैसियत? बोलो, मैं चलता हूँ, अब मेरा चैलेंज है कि झूठ है। और दिखने के बाद सब आप बोलना पड़ेगा कि लवजिहाद होता है, मेरा चैलेंज है। कोई चीज ही नहीं, आज चैलेंज स्वीकार दो। चलो आप तारीख और टाइम बचा, मैं लेके जाता हूँ। मैं भी आपको लेके घर से आपको पिकअप कर दो, लेके मैं आपको 50 जगह ले जाता हूँ। आप कहेंगे मैं आपको 10,000 रूपये लेके जाता हूँ, ऐसा गलत है ना? ये गलत है ना? आप सुनने को तैयार नहीं है ना? सर आप ये एक दो केसेस मत लीजिए सर, एक महल और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू मुसलमानों का छूट जाएगा। सब सब रहने के तैयार है, कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये आप बोलते हैं मगर बाकी के लोग बताइए क्या करते हैं। सर आप बोल रहे हैं ऐसे, सर ये आपका सोच सब में डालेंगे तो सब सब अच्छा है ना? यही सोच है, नहीं है ना साहब? ये आपकी सोच सब में जानी चाहिए, नहीं जाती है। सर काम करो ना, जो आक्रोश रैली निकल रही है ना उनको बुलाओ, मुस्लिम समाज को बुलाओ, मैं बुलाता हूँ सबको बुलाता हूँ। तो बुलाओ ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सामने ही नहीं आएंगे ना सर? आएंगे ना साहब, आप जैसे गिने चुने लोग हैं, मगर साहब बाकी जो जिहाद के लोग भी थे उनको सोचे ना, ऐसा थोड़ी होता है, कभी हो ही नहीं सकता। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।